जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? परमेश्वर ने हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है और हमें परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी है। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मैं बॉलीवुड से हूं और 5 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं, डायरेक्ट कर चुका हूं कई सीरियल्स, आपकी गॉस्पल टेलीफिल्म्स मैंने डायरेक्ट की हैं, डॉक्टर बिली ग्राम, माई होप इंडिया जिन्होंने प्रोड्यूस की थी एक फिल्म जिसमें भाई जॉनी लिवर और प्रेम चोपड़ा ने काम किया है, उस फिल्म को डायरेक्ट करने का मुझे मौका मिला है। ये परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन मैं सोचता था कि मुझे यहाँ करना क्या है, मैं इस जीवन में इस धरती पर हूं तो किसके लिए हूं। लेकिन आज जब मुझे परमेश्वर ने चुना, जब मुझे परमेश्वर ने अपना बनाया, तो मैं जान पाया कि परमेश्वर ने मुझे चुना क्यों है। हालेलुया, आज हम इसी संबंध में बात करेंगे। इसलिए स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है यशाया की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय और उसका 21वां वचन। वचन कहता है, जिस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है वो मेरा गुणानुवाद करेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सिर्फ बाइबल है जो हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं, हमें धरती पर करना क्या है और हमें जाना कहां है। हालेलुया दोस्तों, परमेश्वर ने हमें अद्भुत आशीष दी, हमें बुद्धि दी, हमें ज्ञान दिया है। अगर हम उत्पत्ति से पहले जानने की कोशिश करें तो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया था और स्वर्ग में मेन 3 स्थान बनाए थे जहां पर उसके मेन 3 स्वर्गदूत रहते थे, एक मिकाएल, दूसरा जिब्राइल और तीसरा लूसीफर। लूसीफर का काम था परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया, हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। लूसीफर का यही काम था कि वो स्तुति आराधना करे। लेकिन लूसीफर ने उस सिंहासन को देखा और उसने देखा और उसने चाहा, उसने गलत इच्छा की कि वो परमेश्वर के सामान्य हो जाए। उसने पाप किया और उसकी महिमा को छीन लिया गया और उसे धरती पर भेजा गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूसीफर का जो स्थान है वो रिक्त हुआ और इसकी वजह से मनुष्य की रचना हुई ताकि मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की आराधना करे। दोस्तों, हमारा मेन दायित्व है परमेश्वर की स्तुति करना। परमेश्वर चाहता है कि तू धरती पर रहकर मेरी स्तुति आराधना करे। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। हालेलुया, बाइबल हमें बताती है वचन को पढ़ना, बाइबल हमें बताती है वचन को बांटना, बाइबल हमें बताती है सुसमाचार। लेकिन दोस्तों, ये सुसमाचार हमारा रैप्चर तक ही सीमित है। दोस्तों, ये वचन हमारे रैप्चर तक ही सीमित है, ये दान और दशांश की प्रक्रिया ये रैप्चर तक ही सीमित है। लेकिन स्तुति आराधना हमें स्वर्ग में भी करनी है। इसे दोस्तों याद करिए कि हमारा मेन उद्देश्य, परमेश्वर का मेन उद्देश्य हमारे जीवन में वो क्या है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। इसलिए उसने हमें चुना है। इसलिए पहला पत्रस 2:9 कहता है कि परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याचकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट कर सको। सुना दोस्तों आपने, उसके महान गुणों को प्रकट करना यह हमारा दायित्व है। इसीलिए हम चुने गए हैं, इसलिए हम उसका चुना हुआ वंश है, ताकि हम उसके महान गुणों को प्रकट करें। हम कैसे उसके महान गुणों का प्रकट करेंगे, उसकी जय जयकार कैसे करेंगे, उसकी प्रशंसा कैसे करेंगे, उसका धन्यवाद हम कैसे करेंगे? उन गीतों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा हम बताएंगे दुनिया को कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर महान है, उसकी स्तुति में ही जीवन है, उसकी आराधना में ही सुख है। हालेलुया, परमेश्वर यही चाहता है और यही चाहकर उसने हमसे क्या बोला, इफिसियों 1:12 कहता है कि हम जिन्होंने मसीह पर पहले से आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हम उसकी स्तुति के कारण बने हैं, हम उसकी स्तुति के कारण बने, हमारे द्वारा उसकी स्तुति हो, हमारा यही काम है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम है उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना। अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह आपका सबसे पहला काम क्या है, उसकी स्तुति करना। घुटने टेकिए और उसकी आराधना करिए, उसको बताइए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, उसकी स्तुति आराधना में जीवन बताइए, उसकी स्तुति आराधना में शक्ति है, उसकी स्तुति आराधना में सामर्थ है, उसकी स्तुति आराधना में ही आपको बुद्धि मिलती है, उसकी स्तुति आराधना में ही आपको जीवन और ज्योति मिलती है, क्योंकि उसकी स्तुति आराधना ही उसका आदेश है, उसकी आज्ञा है। हालेलुया, इसलिए रोमियो 12:1 कहता है साफ साफ शब्दों में, अगर हम पढ़ेंगे, अतः भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हमारी आराधना क्या है, हमारी आत्मिक आराधना क्या है कि हम अपने शरीर को पवित्र करें। जिस शरीर के द्वारा पाप आया,
जिस शरीर के द्वारा आत्मा ने, जिस शरीर के द्वारा आदम ने पाप किया, जो शरीर पाप की वजह से दूषित हो चुका है, हम उस शरीर को पवित्र बनाएं और ग्रहण योग्य बलिदान बनाकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। यही आत्मिक आराधना है, यही मेरी आराधना है, यही परमेश्वर की सच्ची स्तुति है कि हम अपने शरीरों को पवित्र करते हैं। हम अपने शरीर को पवित्र करके और ग्रहण योग्य उसको लेकर, उस पवित्र शरीर को लेकर परमेश्वर के सामने जाए और कहे, परमेश्वर स्वीकार कर मेरे इस पवित्र शरीर को, क्योंकि मेरा पाप इसी में था और तूने मेरी आत्मा को जिंदा किया है, पवित्र किया है, अपनी आत्मा को उड़ेला है। आज मैं अपने पवित्र शरीर को तेरे सामने प्रस्तुत करता हूं। यही हमारी आत्मिक आराधना है। तो दोस्तों, आइए हम अहद करें, हम शक्ति मांगे परमेश्वर से, हम बुद्धि मांगे और हम हर पल स्तुति आराधना नए नए गीत गाएं, ताकि दुनिया जाने कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। धन्यवाद देते हैं, तू महान है, महिमा और आदर के योग्य है। हमें बुद्धि और ज्ञान दे और समझ दे, ताकि हम तेरी स्तुति आराधना और तेरी प्रशंसा तेरा धन्यवाद करते रहें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।